हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिस्किट केक की रेसिपी। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा केक मैंने बिस्किट्स यूज करके बनाया है। तो चलिए इस केक को बनाने के लिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले केक बनाने के लिए मैंने एक केक टिन लेकर उसके बीच में बटर पेपर काट के लगाया है और उसके साइड्स पर मैंने थोड़ा बटर लगा लिया है। इसे हमें साइड में रख देना है। बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 हैप्पी बिस्किट्स के पैकेट लिए हैं। ये बिस्किट बहुत ही चॉकलेटी होती है, इसलिए केक बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर बिस्किट यूज किए हैं। अब चारों बिस्किट के पैकेट फोड़ कर उनके बिस्किट्स मिक्सर में डालकर हमें इनको ग्राइंड कर लेना है। बिस्किट डालने के बाद आप इनमें एक बड़ा चम्मच शक्कर डाल दीजिए और मिक्सर में लगाकर ग्राइंड कर लीजिए। ये मिक्सर के बर्तन में 3 पैकेट फिट हो रहे थे, तो पहले 3 पैकेट का ग्राइंड कर उसके बाद मैंने 1 पैकेट इसमें ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। बिस्किट्स को ग्राइंड करने के बाद इन्हें एक छन्नी में डालकर हम इन्हें थोड़ा छान लेंगे। अगर इनमें बिस्किट्स के टुकड़े होंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, तो बिस्किट्स को ग्राइंड करने के बाद छानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ऐसे थोड़े बिस्किट्स के टुकड़े रह जाते हैं, तो आप बिस्किट की पाउडर को छान के ज़रूर लीजिए। इन्हें छानने के बाद मैंने इनमें करीबन 1 कप दूध ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड किया है और मिक्स किया है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए, इससे आपको मिक्स करने में भी बहुत आसानी होगी। अभी भी बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल के मिक्स कर लिया है। पूरे केक में मैंने करीबन 1 कप ही दूध का इस्तेमाल किया है। देखिए, हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी रखनी है, तो अगर 1 कप दूध कम भी पड़ जाए तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। 1 कप बैटर तो बिल्कुल बन गया है, इसलिए मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें एक स्टैंड रख दिया है और इसे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए गैस पर रख दिया है। कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दीजिए और इसके बाद हमें बैटर में करीबन 1/2 टेबल स्पून इनो डाल देना है। इनो यहाँ पे आपको नॉन फ्लेवर्ड यूज़ करना है, जो रेगुलर वाला होता है। इनो डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनो डालने की वजह से बैटर बहुत फूल जाता है और केक भी बहुत सॉफ्ट बनता है। अब केक के बैटर को हम टिन में ट्रांसफर कर देंगे। केक के टिन को एक बार ऐसे टैप कर लीजिए ताकि इसमें अगर एयर बबल्स हो तो आसानी से निकल जाए। कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से प्रीहीट करके लिया है। अब कढ़ाई के बीचों बीच स्टैंड के ऊपर हम केक टिन रख देंगे। अब कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रखकर इस केक को हमें करीबन 30 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। आप कढ़ाई की जगह कुकर भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुकर के ढक्कन की सीटी और रबर निकाल देना है। अब 40 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर मैंने एक बार केक को चेक कर लिया है। केक अंदर से पका है कि नहीं चेक करने के लिए मैंने एक टूथपिक इंसर्ट किया है। टूथपिक सूखा है, मतलब केक अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। अब ये केक बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। केक ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक डिश में निकाल लिया है। हमने बटर पेपर लगाया था, इसलिए केक बड़े आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि केक कितनी अच्छे से फूला है। ये दिखने में जितना टेस्टी है, खाने में उतना ही टेस्टी और चॉकलेटी है। आप इस बिस्किट केक को ऐसे ही खा सकते हैं या इसे आइसिंग लगा कर भी खा सकते हैं। लगता ही नहीं कि हमने इसे बिस्किट से बनाया है। तो आप इस बिस्किट केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।